Assalamu alaikum. Welcome back to Murree Weather Facebook Live. मैं हूं आपका एडमिन सोजल मलिक और इस वक्त दोबारा से इंतहाई शदीद स्नोफॉल का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है. मलिक फैज साहब आपको वेलकम करता हूं जी. इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा से अपने पंजाब के एरिया में दाखिल हो रहे हैं. लेंस साफ कर लूँ जी मैं. और हमारा जो ऑपरेशन है सक्सेसफुली वो कंप्लीट होने के तरफ गामजन है. थोड़ा सा फिर इधर रोके मैं सबकी वो वीडियोस बना लूँ यहाँ से बॉर्डर से. ठीक है जी. ये देखें जी ये हमारा बॉर्डर है. आगे चलें आगे चलें. ये हमारा पंजाब बॉर्डर है. गुड बाय खैबर पख्तूनख्वा. जीप वाले तो खड़े रहो, बैक नहीं करना जीप. और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो कानवाय यहाँ से गुजरेगा. रुक जाए मैं वीडियो बनाता हूँ. मेरे साथ रहिएगा जी. ये देखें जी इस वक्त हमारा मूव करें खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में इस वक्त हम मौजूद हैं. और ये वो पूरा कानवाय है. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्क्यू वालों को रेस्क्यू किया है. जो दूसरों को रेस्क्यू करते हैं आज हम उनको रेस्क्यू करके यहाँ से रवाना है माशाल्लाह. ये वो गाड़ियाँ हैं जी जो मुसलसल फंसी हुई थी. V8 गाड़ियाँ थी, सारी लैंड क्रूजरें थी. ये पूरी रात तोहिदाबाद में फंसे रहे हैं और इनको हम इस वक्त रेस्क्यू करके ले कर जा रहे हैं अपनी कमांड में पंजाब हाईवे अथॉरिटी मरी. और ये तमाम गाड़ियाँ देखें, ये बड़े VIP गाड़ियाँ हैं जी माशाल्लाह, 4x4. और देखें जी उनके चेहरे के ऊपर बहुत खुशी है. यकीन करें जब हम पहुँचे थे तो इन मेरी आंखों में भी आंसू थे और इन सब की आंखों में आंसू थे. और ये खैबर पख्तूनख्वा से हम इस वक्त गुजर रहे हैं. ये पूरा कानवाय है जी, आप देख सकते हैं. आर्मी की गाड़ियां भी साथ हैं, आर्मी वाले भी हमारे साथ. ये मिशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से इस वक्त तकमील की तरफ गामजन. और शेयर करें, ये नाकाबिले फरामोश मनाजिर हैं. और इंसान इंसानियत के लिए ही ज़िंदा रहता है, जीता भी वही है. गोया अल्लाह फरमाते हैं कि गोया जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया. तो आज आप सबके सामने कारकर्दगी है पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की, पाक फ़ौज की. सीइंग इज़ बिलीविंग. जितना भी महाज खोल लें, ब्लैक मेलर जर्नलिस्ट जितना भी महाज खोल लें मेरे ख़िलाफ़, मेरे पेज के ख़िलाफ़, मेरी ज़ातियात के ऊपर अटैक कर रहे हैं. गुज़िश्ता 24 घंटे से उन्होंने मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाया है. लेकिन मेरे पास यही है कि मैं अपनी कारकर्दगी से उनको दिखाऊँगा और दिखा भी रहा हूँ कि ये हमारी कारकर्दगी है. और हम इधर से उनको रेस्क्यू करके जा रहे हैं. सीइंग इज़ बिलीविंग. झूठ नहीं है, एडिटेड वीडियो नहीं है, ये लाइव मनाजिर हैं. और ठीक है, आप रेस्क्यू वालों से मुतमैन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतमैन है? बेहतरीन. थैंक यू सो मच. ये देखें जी म्यूज़िक सुनी जा रही है और इंजॉय किया जा रहा है. शेयर करें इस लाइव स्ट्रीमिंग को. बाड़िया बाजार से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और इस वक्त रेस्क्यू टीम के इंचार्ज भी मेरे साथ हैं जो गुज़िश्ता रात से यहाँ पे मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब. पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप गुज़िश्ता रात से यहाँ पर फंस गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम रेस्क्यू करने वालों को भी आज रेस्क्यू करने के लिए आए हैं. बस और क्रेडिट गोज़ टू हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब. दिलशाद से बैठे हैं
और इन्हीं की बदौलत ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। ये जी पंजाब हाईवे अथॉरिटी की तरफ से पीआर हुए हैं माशाल्लाह हाईवे डिपार्टमेंट के, तो आपके साथ इंटरेक्शन में हम लोग रहे हैं और आपकी रिस्पोंडेंस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कैरी ऑन करें, लोग अभी डांस भी कर रहे हैं, गाने भी लगा रहे हैं जिनको हम रेस्क्यू करके जा रहे हैं। तो के पहले बहुत परेशान थे लेकिन ठीक है, ऊपर अल्लाह है नीचे हम मौजूद हैं। तो ये देखें जी, हमने क्लियर किया इस पूरे कानवाई को, तो अभी फिर हम पंजाब की हदूद में दाखिल हो गए हैं। और शेयर करें इस लाइव स्ट्रीमिंग को, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है हमें, हमने जो भी लाइव स्ट्रीमिंग दी है वो तारीख में किसी ने नहीं दी, और इज़्ज़त देने वाला और लेने वाला रब की ज़ात है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने ये पूरा कानवाय, इनको हम रेस्क्यू करके आ रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि इसमें किसी की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई यहाँ पे ज़ख्मी नहीं हुआ। पूरी रात शदीद बर्फ़बारी में फंसने के बावजूद सब ने यहाँ पे अपना किरदार अदा किया। रेस्क्यू 112 सबसे पहले पहुँची और उसके बाद पंजाब हाईवे, और हम पहुँचे उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने हमें सपोर्ट दी, हमें तहफ़ दिया। यहाँ के लोग कुछ गर्म थे, कह रहे थे जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहाँ है। हमने कहा जी हम तो पंजाब गवर्नमेंट से आए हैं तो हमें तो कुछ ना कहें। फिर स्टेशन साहब की बदौलत हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और उसका ये नतीजा आप देख रहे हैं इस वक्त कि ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स मरी। इंशाल्लाह ताला इनको महफूज मकाम तक पहुंचाते हैं जी। और गुड बाय बाड़िया कैंट के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।